दुनिया में सब लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अमीर लोगों का पैसा कमाने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स की इनकम होती हैं जो अमीर लोग अपने पास रखते हैं, अपने एक इनकम सोर्स की तरह अमीर लोग कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इनकम रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो इनकम स्ट्रीम आती है वो है अर्नड इनकम। दुनिया में 95% लोग अर्नड इनकम के ही भरोसे चलते हैं। अर्नड इनकम क्या होती है? अर्नड इनकम वो इनकम होती है जिसको हम कहीं काम करके कमाते हैं। जैसे एग्जांपल के ले लेते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करने से जो हमारी सैलरी आती है, पूरे महीने भर काम करने से जो हमारी सैलरी आती है वो होती है अर्नड इनकम। दूसरी टाइप की जो इनकम स्ट्रीम है वो है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम, प्रॉफिट शब्द सुनते ही आप समझ गए होंगे प्रॉफिट इनकम क्या होती है। प्रॉफिट इनकम जो चीज़ हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, जैसे कि मैंने ये लैपटॉप बेच दिया तो उससे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो है मेरी प्रॉफिट इनकम। जैसे दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो जैसे कुछ सामान बेचते हैं तो उनसे जो उनको प्रॉफिट होता है वो है उनकी प्रॉफिट इनकम। तीसरी इनकम स्ट्रीम आती है वो है इंटरेस्ट इनकम। किसी चीज़ को हमने जब लेंड करते हैं, मतलब किसी चीज़ को उधारी पर देते हैं, जो उससे हमको इंटरेस्ट आता है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए थोड़े और उसमें से आपने कहा कि मैं आपको एक महीने बाद लौटाऊंगा इन पैसों को और 1000 रुपये आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो वो हुई मेरी 1000 रुपये, मेरी हुई इंटरेस्ट इनकम। ये भी बहुत से जो मिलियनर्स बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो इस इनकम का बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो वो आराम से पैसे को लेंड कर सकते हैं, पैसे को किसी को भी उधार के तरीके से दे सकते हैं और उससे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। चौथी जो टाइप ऑफ इनकम आती है वो है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम होती है स्टॉक से। शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं किसी अच्छी कंपनी के ऊपर तो वो कंपनी हर साल डिविडेंड्स देती है। डिविडेंड मतलब थोड़ा पार्ट अपना पैसा वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को बांट देती है, तो वो होती है डिविडेंड इनकम। मैंने बहुत सी वीडियोस अपनी इस यूट्यूब चैनल में स्टॉक मार्केट के ऊपर बना रखी हैं। अगर मैं आपको अपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियोस देख लीजिएगा और आपको डिविडेंड इनकम क्या होती है ये भी अच्छे से वहाँ समझ में आ जाएगा। डिविडेंड इनकम मेनली लेकिन यही होती है कि जो शेयर मार्केट से हमको शेयर, जो हम जैसे हम शेयर होल्डर हैं कि किसी कंपनी हमने इन्वेस्ट किया है तो उससे हमको जब मिलती है, जो डिविडेंड मिलता है साल के एंड में, वो होती है हमारी डिविडेंड इनकम। ये भी बहुत से जो बिलियनर्स मिलियनर्स होते हैं वो डिविडेंड इनकम का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट जी को देख लीजिए, वो भी उनकी भी बहुत परसेंट इनकम का, मान लीजिए 10-20% उनका डिविडेंड इनकम से ही आ रहा है। पांचवी जो इनकम स्ट्रीम आती है वो है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जब हम किसी चीज़ को किसी रेंट पे देते हैं किसी को, जो और जो उससे इनकम आती है वो है हमारी रेंटल इनकम। जैसे कि हम एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक फ्लैट पड़ा है और आपने फ्लैट रेंट में दे दिया है किसी को, तो उस फ्लैट से जो है आपकी इनकम आ रही है वो है आपकी रेंटल इनकम। ये भी बहुत से रियल इस्टेट इन्वेस्टर जो होते हैं वो इसी इन्वेस्टमेंट से इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। ये इनकम स्ट्रीम उनकी होती है, रेंटल इनकम ही उनकी एक मेन स्ट्रीम होती है जिससे वो बहुत पैसा कमाते हैं। जिससे आप बहुत से रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स का नाम भी सुना होगा, जो ब्रोकर्स होते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके आप बहुत सी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं खुद के, वो इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। सिक्स्थ हमारी आती है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जिससे एसेट की जब वैल्यू किसी चीज़ की इंक्रीज हो जाती है साल भर साल, वो होती है हमारी कैपिटल इनकम। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें गोल्ड, गोल्ड की हर साल वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है। तो वो जैसे हमने मान लिया हमने 100 रुपीज़ का गोल्ड खरीदा और अगले साल उसकी वैल्यू 200 हो गई, तो वो 100 रुपीज़ हमारी जो इनकम हुई एक साल की वो है हमारी कैपिटल इनकम। इससे बहुत से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी बहुत सी अच्छी कैपिटल इनकम आती है। लास्ट और सातवीं जो इनकम आती है वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम इसका मतलब, जब मेरे पास मान लीजिए एक आइडिया है, मैंने वो आइडिया किसी को दे दिया कि ये चलो ये आइडिया आप रॉयल्टी से यूज़ कर लो, तो वो मेरी हुई, उससे जो मैं पैसा कमाऊंगा अपने आइडिया देने से वो होगी मेरी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम भी बहुत बड़े बड़े जो मतलब वो होते हैं इन्फोप्रेन्योर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो भी बहुत से यूज़ करते हैं एक रेंटल इनकम को। तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स है अगर आपके पास बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं या कुछ भी आपके पास आइडियाज हैं। तो यही सब थी जो मेन 7 जो इनकम स्ट्रीम्स होती है, यही होती हैं जो मिलियनर्स यूज़ करते हैं अपने पैसे को, अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए
होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या वीडियो का पार्ट अच्छा लगा या क्या गंदा लगा। तो और कोई भी क्वेरीज या सजेशन आपके होंगे तो आप आगे व्हाट्सएप नंबर में भी बता सकते हैं या नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।